क्या हो गया भाई, तुम तो बहुत एक्साइटेड थे। एक्साइटेड अभी भी हैं, बस थोड़ा सा थकान लगी हुई है। देख लो भाई कितनी खतरनाक रास्ता है। ऊपर ट्रैकिंग के रूट पे लैंडस्लाइड हुआ है बहुत तगड़ा, जिसकी वजह से हम लोग 3 घंटे से खड़े हैं, बट अभी भी ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं करने दे रहे हैं। तो भाई आज है हमारी केदारनाथ ट्रिप का 2nd डे। कल हम लोग नैनीताल आए थे और यहीं पर स्टे किए थे। आज हम लोग को निकलना है सोनप्रयाग के लिए, जहां से हम जाएंगे गौरीकुंड, उसके बाद केदारनाथ धाम का ट्रैक स्टार्ट होगा। यहां से सोनप्रयाग की डिस्टेंस है 290 किलोमीटर, और हमें ये दिन ही दिन में कवर कर लेनी है, बिकॉज सोनप्रयाग में मैंने सुना है कि होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो वहां भटकना पड़ सकता है। तो इसी वजह से अभी सुबह के 6 बजे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बैग पैक वगैरह कर लिया है। बाकी यार नैनीताल से जो सोनप्रयाग का रूट है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलेंगी, तो वो सब आपको दिखाएंगे, व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग बनेगा। तो चलिए गाइस निकलते हैं नैनीताल से और चलते हैं सोनप्रयाग के लिए। तो गाइस हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी बाइक पार्क थी, एक्चुअली वहाँ की जो होटल की जो पार्किंग थी वो पूरी तरीके से फुल थी, तो वहाँ पे हम लोग बाइक नहीं पार्क कर पाए थे, हमने यहाँ पे पार्क करी थी। तो अभी फाइनली निकलते हैं और बैग वगैरह आप देख सकते हो पूरा फुल है। बाकी यार नैनीताल का वेदर देखो कितना प्यारा है, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो जाने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें यार, जाना ही पड़ेगा, फिर कभी आएंगे नैनीताल। मैप अब हमने सेट कर लिया है, यू कैन सी यहाँ पे 8 आवर 16 मिनट दिखा रहा है, 291 किलोमीटर है सिर्फ। जय भोलेनाथ, आज हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट कर दी है सोनप्रयाग के लिए, लेट्स सी कैसे पहुंचते हैं। ये रहा नैनीताल, लास्ट बार देख लेते हैं, फिर तो आना नहीं है इधर, अब देखते हैं कब आते हैं। अरे चल भाई, सबसे पहला टारगेट हमारा है कि गाड़ी में फ्यूल डलवाना है। अपना फ्यूल तो स्किप हो जाएगा, थोड़ा बहुत चल लेंगे, लेकिन अगर गाड़ी को तेल नहीं मिला ना टाइम पे, तब फिर हमारा तेल निकल जाएगा। भाई अभी हम एक जगह पे रुके हैं और यहाँ से जो नज़ारे हैं ना भाई, कतई जहर। यहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी करी है, हेलमेट वगैरह इधर रखा है, एंड जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये रहा व्यू, एंड ये है व्यू पॉइंट ही है शायद, ये देखो लिखा है, ये सेल्फी पॉइंट है एंड यहाँ पे ये लिखा है व्यू पॉइंट, तो यहाँ पे खड़े होके आप व्यू ले सकते हो यहाँ का। ओ माय गॉड, तो भाई बाइक से आने का यही फायदा है, जहाँ मनो वहाँ रुक जाओ, किसी से बोलना नहीं है। यही रोड हमको उतरना है, इधर से हम जाएंगे वो रहा रोड, ऐसे ऐसे करके वो वहाँ पे जा रहा है, ऐसे करके हम नीचे उतरेंगे और काफ़ी अभी उतरना है, अभी 10 किलोमीटर के आसपास हमें यहाँ से उतरना है। तो गाइज अभी हम लोग एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं, बिकॉज सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं था, और ये रही हमारी चाय एंड बन मक्खन, और ये है नज़ारे। तो भाई ऐसी जगह पे चाय वाय पीने का मज़ा ही अलग है, पीते हैं फिर बाइक में फ्यूल डलाते हैं और निकलते हैं, फिर खींचेंगे 100-200 किलोमीटर के बाद ही मिलेंगे। तो भाई आ चुके हैं फ्यूल टैंक पे और पेट्रोल फिल करवा लेते हैं। क्या रेट चल रहा है? 103.65 रुपीज़ पर लीटर। 1100 का डलवा लो बस, है ना, 1100 का डाल दो भाई। तो भाई 1050 रुपये का पेट्रोल भरवाया हमने, 9.76 लीटर आया है, टंकी फुल हो चुकी है, बस अब निकलते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से पहुंचेंगे सीधा केदारनाथ। तो लो जी पेट्रोल हो गया है फुल, टैंक फुल हो चुका है, अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब सीधा निकलेंगे। अब हमें कोई ब्रेक नहीं लेना, बीच में हो सकता है एक बार लंच ब्रेक लेगा, ज़्यादा टाइम हो जाता है, बाकी अब हमारा टारगेट यही है कि जल्दी से जल्दी सोनप्रयाग पहुँच जाए, बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, गाड़ी का भी ब्रेकफास्ट हो चुका है, ये भी चार्ज हो चुकी है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सीधा खींच देंगे। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग सोनप्रयाग की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे हमें ये टेम्पल दिखा है, परम पूज्य बाबा श्री नीम करौरी महाराज जी का, और इसके बारे में मैंने सुना था यहाँ पे बहुत सारे फेमस लोग आए हैं, मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर है, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर है, उनके गुरु यहाँ रहते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे अभी हम चलेंगे और दर्शन करके आपको दिखाते हैं। यू कैन सी कितनी बढ़िया लोकेशन पे है ये, नीचे ये नदी है, अभी पानी कम है बट बहुत प्यारा है यार, ये देखो उधर भी है। बाकी आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे, तो उतार के दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलता है।
भाई अभी हमने दर्शन कर लिए हैं एंड यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, तो हमने शूट नहीं किया है। बहुत अच्छी जगह है, कभी आना होगा तो जरूर आइएगा आप लोग भी। तो गाइस अभी हम लोग नैनीताल से लगभग 70 किलोमीटर आ चुके हैं एंड अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करने का मूड था तो मैगी की ढूंढ रहे थे, मैगी का रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट मिला है एंड यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। एक बार ध्यान दें आप इधर, ये देखें, ओ भाई कतई जहर यार। शाम को इस टेबल पे बैठ के मैगी खाने में क्या मज़े आते होंगे। अभी तो खैर धूप है तो हम उधर बैठेंगे, बट यार ऑसम व्यूज, एक नंबर। तो गाइस जहाँ पे हमारी मैगी आ चुकी है भाई, क्या सेक्सी लग रही है। और दीपक भाई कितने ज़्यादा भूख लगी है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है इनसे। बाकी इस व्यू के साथ ना ये मैगी परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो गाइस अभी हम लोग नैनीताल से लगभग 100 किलोमीटर ही आए हैं और 100 किलोमीटर में ही हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो रास्ते हैं ना माउंटेन्स वाले, इधर से हम आते हैं ऐसे जाते हैं और हर 50-60 मीटर पे ऐसा ही मोड़ है। मतलब ऐसे जाएंगे, स्पीड बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रही है, 30-35 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है। इसी वजह से मैं सोच रहा था कि जब 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो गूगल मैप 9 घंटे क्यों बता रहा है, बिकॉज ऐसे ही रास्ते हैं। बाकी यहाँ पे हम लगभग रुके हैं आधे घंटे से और बिल्कुल भी बाइक चलाने का मन नहीं कर रहा यार। दीपक भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या हो गया भाई, तुम तो बहुत एक्साइटेड थे। एक्साइटेड अभी भी हैं, बस थोड़ा सा थकान लगी हुई है। बाकी ये है अपना प्लेन, एरोप्लेन विद लगेज। समझ नहीं आ रहा इसमें हम लोग बैठते कहाँ है, सामान कहाँ आता है, बट हाँ ये हमको कैरी कर रही है। प्राउड ऑफ दिस बाइक भाई, हमें नहीं पता था भाई ये इतना बढ़िया परफॉर्म करेगी। हैट्स ऑफ टू दिस यामाहा FZS V3, यू पास्ट। बाकी यार सोनप्रयाग पहुंच जाए आज तो बहुत ही बढ़िया है, उम्मीदें कम लग रही हैं बट लेट्स सी क्या होता है। निकलते हैं फिर यहाँ से। A few inches later. तो गाइस अभी 150 किलोमीटर रास्ता हमने कवर कर लिया है, मतलब आधा रास्ता कवर हो चुका है और एक जगह पे हम रुके हैं भाई। और ये जगह ना बहुत मस्त है, अब तक मतलब जितना हमें रास्ते में जितने भी स्पॉट्स मिले उनमें से सबसे बेस्ट। अब बेस्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 1, 2, 3 ये देखो भाई, ये रहा ब्रेथ टेकिंग व्यू माउंटेन्स का, ओ माई गॉड। और ये है रामगंगा रिवर जो कि यहाँ पे फ्लो हो रही है। साउंड आप सुन सकते हो कितना नेचुरल साउंड है एंड इस टाइम वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ठंडा है। कुछ देर पहले थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही थी तो मैं डर लग रहा था कि कहीं यार हम लोग भीग भाग ना जाएं। रेनकोट वगैरह हम लाए नहीं, फिलहाल लाना चाहिए था बट हम लोगों ने इसे इग्नोर किया, हो सकता है झेलना पड़ जाए। बट फिलहाल के लिए आधा रास्ता कवर हो चुका है एंड अभी हमें एनर्जेटिक फील हो रहा है, बट क्या करें यार चलना पड़ेगा है ना। चलते हैं भाई, पहुंचना तो है ही केदारनाथ। जय भोले बाबा की, हर हर महादेव। सो फाइनली गाइज हम लोग सोनप्रयाग तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उससे पहले 25 किलोमीटर पहले हमने एक ब्रेक लिया है, एक जगह होटल हमें अच्छा मिल गया बजट में तो हमने वहीं पे होटल ले लिया। सोनप्रयाग ना जाने की दो वजह हैं, पहले तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, बारिश में हम लोग राइड करके आ रहे थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और दूसरी ये हमने लोकल से पता किया और वहाँ पर भी एक लोग हमारे जानने वाले हैं, उनको हमने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि सोनप्रयाग में होटल्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत महंगे हैं होटल्स, बहुत ही नॉर्मल से होटल का प्राइस 5,000 से 6,000 तक है। हमने सोचा सोनप्रयाग में रुकने से अच्छा है उससे 10-15 किलोमीटर पहले ही रूम ले लेते हैं और मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए यार सो जाते हैं ताकि कल थोड़ा एनर्जेटिक मोड में हम वहाँ पर ट्रैकिंग कर सकें और भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। बाकी देखते हैं यार, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, मौसम अच्छा रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुँचने वाले हैं और यहाँ के रास्ते बहुत मुश्किल है, ये दिखाओ जरा दीपक भाई। देख सकते हैं आप, ये देखो पीछे बहुत ही समस्या, देख लो भाई कितनी खतरनाक रास्ता है। तो यहाँ से ऊपर से पत्थर भी गिरने का डर रहता है, रिस्की तो है भाई बाइक से आना, बट यार रिस्क है तो रिस्क है।
तो गाइस अभी हम लोग सोनप्रयाग की पार्किंग में आ चुके हैं एंड यहाँ पर हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है। 50 रुपये फीस है 12 घंटे की, जितनी देर में आएंगे उसी हिसाब से चार्जेस हो जाएंगे। अगर हम 36 घंटे यहाँ पार्क करेंगे तो लगभग 150 रुपये हमें पे करने होंगे। बाकी भाई बहुत बड़ी पार्किंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी है और सामने वो रही गाड़ियाँ लगी हुई हैं एक तरफ से ऊपर तक, और ये है भाई नज़ारे पार्किंग के। अब इधर से हमें जाना है वहाँ पे गौरीकुंड के लिए, टैक्सी मिलेगी, 5 किलोमीटर आगे जाना होगा बिकॉज इसके आगे गाड़ी या बाइक कोई नहीं ले जा सकता, यहाँ पे सबको पार्क करनी पड़ती है। तो अब चलते हैं उधर और टैक्सी पकड़ते हैं, फिर गौरीकुंड पहुँचते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। तो चलो फिर चलते हैं गाइस। तो भाई अभी हम थोड़ा सा ऊपर आ गए एंड यहाँ से आप पार्किंग देखो कितनी ह्यूज पार्किंग है, कितनी कारें लगी हुई हैं और सामने वहाँ भी लगी हुई हैं। बाकी भाई ये रास्ता है, अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है गौरीकुंड, उसके बाद हम लोग ट्रैक करना शुरू करेंगे। कैसा लग रहा है ब्रदर? बहुत बढ़िया लग रहा है, मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा कि कैसे मैनेज करेंगे, बट भोलेनाथ के नाम पे सब सही है, पहुँचते हैं जल्दी। ओ भाई तो सारे लोग वापस आ रहे हैं यहाँ से, लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुका है सब। तो गाइस अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, एक्चुअली ऊपर ट्रैकिंग के रूट पे लैंडस्लाइड हुआ है बहुत तगड़ा, जिसकी वजह से हम लोग 3 घंटे से खड़े हैं बट अभी भी ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं करने दे रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, वापस जाएं या यहीं रुकें। रुकने की यहाँ पर व्यवस्था भी नहीं है, होटल्स वगैरह भी बहुत महंगे हैं। बाकी आप इधर भीड़ देख सकते हो, ये सारे लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं और आर्मी वाले वहाँ से भगा रहे हैं लोगों को कि वापस जाओ, सेफ नहीं है जर्नी करना। तो अब हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, देखते हैं अगर यहाँ स्टे का कोई प्लान बनता है तो स्टे ही करेंगे बिकॉज वापस भी नहीं जा सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो भाई कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है दर्शन करने में। भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं हम लोग की बहुत तगड़ी वाली, लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस काफ़ी देर वेट कर लिया हमने, लगभग 2-3 घंटे से वेट कर रहे थे कि अब ट्रैकिंग स्टार्ट हो, बट फाइनली अनाउंसमेंट हो चुका है कि आज ट्रैकिंग नहीं होगी एंड जितने भी यात्री जो भी आए हैं उनको अनाउंस कर दिया गया है कि या तो वो वापस चले जाएं या फिर अपना 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 ठिकाना ढूंढ लें जहाँ भी उनको रुकना है, क्योंकि आज ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्की है, जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो वापस तो नहीं जाना है इसलिए हम लोगों ने यहीं पर स्टे करने का प्लान किया। अब स्टे करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से होटल्स वगैरह मिल ही नहीं रहे हैं, कहीं भी कोई होटल अवेलेबल नहीं है। और जो मिल भी रहे हैं ना, जिन होटल्स की कीमत 800-900 रुपये होनी चाहिए ना, वो होटल्स वाले 4,000-5,000 रुपये मांग रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सोने की व्यवस्था के लिए, ये एक डॉर्मेट्री है काफ़ी नीट एंड क्लीन थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने ढूंढ लिया है और इसकी कॉस्ट 1,000 रुपीज़ पर पर्सन पड़ी है हमें, जबकि तो 2,000 रुपीज़ में कितने बढ़िया होटल्स मिलते हैं, बट क्या करें यार कोई ऑप्शन ही नहीं, तो यहीं पे हम लोग को सोना पड़ रहा है। बाकी दीपक भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशान तो मैं भी हूँ यार, बट अब क्या कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। एंड जब भी आप कभी ट्रेवल करते हो तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती हैं। हम प्लान कुछ करते हैं, हो क्या जाता है, कहाँ हम कल सोच रहे थे कि इस टाइम तक हम भोले बाबा के दर्शन कर रहे होंगे, बट अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं यार, कल जाएंगे, वेट करते हैं कि रास्ता क्लियर हो जाए और होप कि कल हम लोग भोले बाबा के दर्शन कर लें और ये जो जर्नी का पर्पस था उसे पूरा कर पाएं। चलो फिर यार बाकी जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी हम और दीपक भाई दोनों रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, हाँ देखते हैं क्या होता है।